बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। हेलो देयर, नानी ये क्या हरकत है? मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पे इस तरह घूम रही हो। देखो जब राजा और रानी साथ जा रहे हो ना तो गुलाम को उनके पीछे रहना चाहिए। किशन नाराज क्यों होते हो यार? हिम्मत है तो ले जाओ अपनी रानी को। ठीक है बच्चू, मैं तुझे भी देख लूंगा। बड़े दिनों के बाद आज थोड़ा सा रोमांस करने का चांस मिला है। आई एम वेरी लकी किशन। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा था कि रोमांस के बाद तुम शादी तक भी पहुंच सकती हो। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे शादी भी नहीं कर सकते? नहीं वो बात नहीं है। क्या है कि मैं एक होने वाला डॉक्टर हूँ और कॉलेज पास करने के बाद डॉक्टरी करता हूँ, ये शादी अभी तक सोचा नहीं। वो देखो वो पेड़ दिखाई दे रहा तुम्हें? हाँ? अरे बहुत मानता है उस पेड़ की, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं दर्शन के लिए, खास करके कुंवारी लड़कियाँ। मैं तो कहता हूँ फट से जाकर आशीर्वाद लो, उतनी देर में मैं सोचता हूँ। लेकिन लो कमाल है, तुम पेड़ का एक फेरा नहीं लगा सकती तो शादी के साथ फेरे कहां से लगाओगी? मैं तो कहता हूँ फट से जाकर आशीर्वाद लो ताकि चट मंगनी फट गया। अच्छा ये बात है, तो मैं अभी गई अभी आई। मैं भी अभी गया और कभी ना आया। किशन बहुत देर हो गई मालिक, खाना लगा दूं? रामू तुम्हें यहाँ नौकरी करते हुए कितने बरस हो गए हैं? एक पर 20 साल तो जरूर हो गए होंगे मालिक। ठीक गधे, एक पर 20 नहीं 20 पर एक कहो, मगर तुम अभी तक 0 पर ही हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रात का खाना किशन के बगैर नहीं खाते। किशन को आ जाने दो, फिर हम दोनों बाप बेटा डट कर तुम्हारे हाथ के पके हुए खाने से कबड्डी खेलेंगे। मालिक एक बात कहूँ? हाँ कहो। छोटे मालिक को आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। दिन में सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं हवाई जहाज की रफ्तार से, और रात को इस बूढ़े को दौड़ाते हैं दरवाजे की तरफ। सारा कसूर आपका है। मैं तो कहता हूँ अरे तू तो बस कहता ही रहता है, सुनता किसी की नहीं। मेरा बेटा लाखों में एक है, बस इसे डॉक्टर बन जाने दे, फिर सबसे पहले तुम्हारी जुबान बंद करने का इलाज करवाऊंगा। वो तो मैं करने वाला नहीं। छोटे सरकार आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं दिन भर तो सड़कों पर हवाई जहाज दौड़ाता रहता हूँ और रात को इस बुड्ढे को दौड़ाता हूँ दरवाजे तक। हाँ बाय द वे, आप दोनों को बहुत तकलीफ देता हूँ ना मैं। अरे कौन कहता है, किसने कहा? अरे रामू तुमने कुछ कहा? मैं तो कुछ बोला ही नहीं सरकार। ये तो बोला ही नहीं। अरे फिर खड़े मुंह क्या देख रहा है? देखता नहीं छोटे मालिक का भूख के मारे पेट बिल्कुल अंदर हो गया है, जा खाना लगा। चल चल भाग भाग। आओ बेटे अंदर। मैं चला बाहर, चल के किसी ढाबे में खाना खा लूंगा। क्यों? मैं इस घर में खाना नहीं खा सकता जहाँ हर वक्त मेरी शिकायत होती रहे। खाना खाऊंगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारे इस दर्द का इलाज है मेरे पास। अरे चल भाई निकल निकल। ये रहा, ये है तुम्हारी नई स्पोर्ट्स कार की चाबी। पहले खाना। अरे खाने की क्या बात है, फौरन खा लेते हैं डैडी। यू आर अ स्वीट हार्ट। अरे मच्छी खा, ये भिंडी क्या खा रहा है? क्या बात कर रहे हैं डैडी, रामू काका ने जो भिंडी बनाई है ना, वो भिंडी बाजार वाले ये भिंडी खा लें तो पूरा बाजार रामू काका के नाम पर कर दें। पहले गाजर का हलवा खाओ फिर चाबी को हाथ लगाओ। क्या डैडी, चाबी का जलवा दिखाएंगे नहीं, गाजर का हलवा खिलाएंगे। नहीं डैडी मैं देखता हूँ। चाबी को हाथ मत लगा। हेलो होल्ड ऑन प्लीज डैडी, आपके लिए डैडी आपके लिए फोन है। थैंक यू। अरे फिर दो टेलीफोन, अगर मेरा टेलीफोन है तो। हेलो धोखेबाज दगाबाज फरेबी, मुझे छोड़कर भाग गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप कौन हैं? कौन हैं आप? अब मैं कौन हो गई? थोड़ी देर पहले तुम्हें दुल्हन बन रही थी, शादी कर रहे थे मुझसे, और अब मैं कौन हो गई? अरे भाई आप गलत समझ रही हैं। अच्छा चलो मान लेती हूँ, मुझे ही समझने में गलती हो गई होगी, लेकिन अपनी शादी की बात तो पक्की है ना किशन डाली?
मैं किशन डार्लिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे डार्लिंग का बाप हूँ, बोलो का मुहूर्त निकलवाऊं। स्वीट वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस। हे किशन, देखा भाग गए ना? भाग गया। बड़ा शरारती है। शरारती तो बचपन से ही है। और एक अपने कपिल बाबू थे, कितने शान, कितने सुंदर, कितने भोले। माफ करना मालिक, अचानक मेरे मुंह से बात निकल गई। तुम्हारे मुंह से तो आज अचानक ये बात निकल गई रामू, लेकिन मैं तो बरसों से अपने सीने में इस दर्द को छुपाए अंदर ही अंदर तड़प रहा हूं। उस कमी ने, बिरजू ने बचपन ही से मेरे कपिल को मुझसे जुदा कर दिया। घर का नौकर घर के मालिक को उठा कर ले गया। पुलिस भी आज तक कुछ न कर सकी, 15 बरस बीत गए इंतजार करते करते। इंतजार की लकीर तो उसी दिन से विधाता ने मेरे मुकद्दर में खींच दी थी रामू, जिस दिन मेरा कपिल मुझसे जुदा हुआ था। जो जुदा हो गया था वो वापस आ रहा है सेठ ब्रजमोहन। तुम जब भी मुझे सेठ ब्रजमोहन के नाम से पुकारते हो मेरे यहाँ पे कुछ होने लगता है। कम टू द पॉइंट, इसका क्या करना है? 10 दिन बाद चिमनलाल जेल से छूटकर वापस आने वाला है। कपिल कुमार, कहीं चिमनलाल के छूटने की चिंता तुम्हें इसलिए तो नहीं हो रही कि तुम उसकी लड़की से शादी करके उसे गांव में छोड़ आयो? शेष ब्रजमोहन, बिजनेस से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है या कर रहा हूं इससे तुम्हारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत सामने है, आज तुम्हारा नकली दवा बनाने का रैकेट कानपुर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अपने इस तीसरे पार्टनर के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए यही जानने के लिए मैंने तुम्हें कानपुर से यहां बुलाया है। आजकल बहुत बोलने लगे हो के खुशू, अच्छा बोलते हो। जब सभी काम ठीक कर रहे हो तो इस नए काम का फैसला भी तुम्हें पर छोड़ता हूं। बस इतना ख्याल रखना, धंधे में जितने पार्टनर कम हो फायदा उतना ही ज्यादा होता है। तो भाई मेरे जाने का वक्त हो गया, चिमनलाल के वक्त के बारे में सोच लो कि उसे कब जाना है और कैसे जाना है। कमाल है, इतनी शानदार गाड़ी होते हुए क्लियो पेट्रा फुटपाथ पर चल रही। मेरा नाम क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं जूलियट, हम कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। शुक्रिया। इनकार के लिए या इकरार के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। बदतमीजी नहीं, पोइट्री पसंद है। वैसे मेरी अपनी नहीं है लेकिन अर्ज किया है। रात भर मैं सोचता रहा चुपचाप, चली गई चुपचाप। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉय। अरे कम से कम दोस्त के हाथों मरने से शहीदों में तो नाम होगा। शहीद होने से पहले ये तो बताते जाइए कि आप हैं। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है किशन, ये तो है। एक उल्टे हाथ का रसीद करूंगा, आगे कुछ बोला तो। हाँ बाबा आगे कुछ मत बोलो, जब बेचारा मान ही रहा कि ये है तो फिर इसे मजबूर क्यों करते हो। हाय हाय, मगर हमको भी तो मालूम पड़े कि हम क्या है। वही है अपनी डंपो के। किशन तुम हमेशा मेरे प्यार का मजाक उड़ाते हो यार, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे प्यार की इतनी बदनामी। धरती माँ तू फट जा ताकि मैं किताबों समेत तुझ में समा जाऊं। कम से कम इम्तिहान में तो नहीं बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत होने देना, ऐसा मत करना यार। कहीं ऐसा हो गया ना तो डंपू बेचारी शादी से पहले विधवा हो जाए। हाँ क्या यार किशन, तुम भी कमाल करते हो। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो विधवा नहीं होगी? अच्छा ये डंपू की बात छोड़ो यार, ये बताओ हमारी ये नई गाड़ी कैसी लगी? हाँ डैडी ने आज ही प्रेजेंट दी। क्या बात है, क्या कलर है, क्या कमर है, लटक आपके पांव बहुत खूबसूरत हैं, जरा संभाल के जमीन पर रखिएगा, मैले हो जाएंगे।
मैडम आप गुड मॉर्निंग। कॉलेज में तो छोकरा लोग यही मस्ती करता है, हम पूछता है। मैडम आप पूछता है कि पूछती है? यही है तुम्हारा स्टडीज, कॉलेज में कोई डिसिप्लिन होना मांगता है। शेम ऑन यू पीपल, हम बोलता है गो टू योर क्लासेस, गो टू योर क्लासेस इमीडिएटली। लेडीज फर्स्ट, आई मीन पहले आप जाइए बाद में हम आएगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। अरे धमका दी आपने यार को मिसेस जेम्स, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा ये तो बताइए मिसेस जेम्स का फर्स्ट लेक्चर कहाँ है? अरे वो जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, मिसेस जेम्स का पहला लेक्चर वही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सिट डाउन। क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं, और वो भी आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूं। जी? जी हाँ, आपके प्रोफेसर हैं पतली सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी मिसेस जेम्स। अरे आप लोग उनके गुस्से पर मत जाइए, उनका दिल बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, बाहर से कड़क है अंदर से नरम है। और इत्तफाक की बात तो यह है कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी नजरें इनायत चाहती हैं तो आज जैसे ही वो क्लास में आए तो उनका स्वागत फूलों से करें। अर्दली, 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 फूल बांटो। यस सर। मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। हैप्पी बर्थडे मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल। ओके गर्ल्स, हम चलते हैं। Oh, wish you all the best. हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। Bye bye. Good morning, Mrs. James. Who is this? This is this. You will come to know later, Miss. Shut up, fool. Good morning, Miss. Morning. Sit down, sit down, sit down, sit down. Happy birthday, Miss. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. आर यू डॉक्टर्स और एक्टर्स? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट, कल बड़ी जिम्मेदारी उठानी, और आप लोग ऐसी बेहुदा हरकतें करते। गर्ल्स जाओ हाथ में धोलो। किशन तुम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर और जानकर। सर, हमारा क्या हालत बनाया ये लोग, हमारा कितना फैंसी ड्रेस था। जेम्स, पहले आपका ड्रेस फैंसी था, अब ये फैंसी ड्रेस हो गया। चलो तुम दोनों मिसेस जेम्स से माफी मांगो। सर मेरे पास चेंज नहीं है, नहीं तो माफी मांगने के साथ साथ मैं इन्हें सनलाइट साबुन के पैसे भी दे देता। मुरली सॉरी सर, सॉरी मैडम। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। लेकिन याद रखना, यस सर, ये तुम दोनों के लिए आखिरी वार्निंग है। यस सर। आइंदा को ऐसी हरकत हुई तो मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नो चांस सर, लेट्स गो, लेट्स गो। उन लोगों ने हमारा मुकाला किया, हम उनका मुकाला करेंगे। जो रास्ता तुम चुन रही हो उस पर चलने से तुम्हें और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मधु तुम उनकी क्लास में पढ़ती हो इसलिए उनका साथ दे रही हो। आज अगर हमने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो कल मैं भी गुजरे हुए कल के बारे में सोच रही हूँ। तुम क्या समझती हो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं भुगत चुकी हूँ? मुझे भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी। गुरु मौका अच्छा फिर जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी मिसा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना है? क्या किराया? किराया? आप कॉलेज के हॉस्टल में नई नई आई है ना, इसलिए हॉस्टल में मैं 150। 150? बस बहुत सस्ते में सौदा पट रहा, क्या हम आ सकते हैं? जी वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। सिर्फ लड़कियों के लिए? How sad, I must say it is very sad. अच्छा ये बताइए, ये जो 150 है वो दिन के लिए है कि पूरे महीने के लिए? What nonsense, behave yourself. क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हेलो, टूलेट का बोर्ड लगाए तुम घूम रही और बदतमीज हमें कह रही हो? जरा देखिए टूलेट। दौलत के नशे ने उसे बदतमीज बना दिया है, उसकी शरारतों की वजह से पूरे कॉलेज की लड़कियां परेशान हैं। जब देखो कोई ना कोई नया हंगामा, कोई ना कोई नई शरारत। शांति, वो सब स्विमिंग पूल पर हैं। वो अंदर हैं
और उनके कपड़े बाहर हैं। गुड आइडिया। हमारा मुंह काला करने वालों को आज हम बिना कपड़े घर भेजेंगे। लेट्स गो। बस आ रही है, लगा दो। जमा के, जमा के। और हाय हैया हो हैया, श्रीमान डंपो के, तुम्हारे डंपो अभी तक लौट कर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस कर गयी हो? जिस दिन उसने मुझसे डबल क्रॉस किया ना प्यारे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी से डबल क्रॉस कर जाऊंगा। अरे ये हुआ ना इश्क मोहब्बत, सचमुच डंपो के हो। ओके बॉयज, रिमेम्बर तरकीब नंबर 420। रेडी ओके, चलो।